जहन दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जवानों के साथ जो भी बाहर ज्यादती हो रही उसके बारे में बोलना क्या फौज को बदनाम करने वाली बात है? शायद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जवान को आए दिन कोई पीट रहा है, रेशम सिंह के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसको कितना उसको अपने क्या बोलते हैं पिछवाड़ा दिखाना पड़ रहा है सोशल मीडिया, तब भी कोई नेशनल टीवी या कोई उसको जगह नहीं दे रही, स्पेस नहीं दे रहा है। जब हम लोग आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे को बोला जाता है फौज को बदनाम करने वाली बात करते हो। या फौज के सिस्टम के अंदर कोई जवान वीडियो लेके बाहर आ जाता है, वो पेपर में छप जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाती है, फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं कि पेपर में छपा है, तो हमको बोलते हैं आप डिफेम करते हैं, फौज को बदनाम करते हो। ये सरासर गलत है। आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो कि फौज स्वर्ग है और उसको स्वर्ग बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सेना यानी फौज है ना, फौज बनती है जवानों से, 95% जवान है। ये तो वो परेशान है, उन्हें कहीं भी परेशानी सिविल में होती है, अंदर होती है, तो फौज कहीं की ऑटोमेटिक बदनाम होगी। उसका जिम्मेदार वो सीओ साहब होगा, वो अफसर होंगे, वो सिस्टम होगा, जो छोटा सिस्टम होगा। कोई भी जवान अपनी यूनिट को मां समझता है, आज भी समझता है, बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। भारतीय सेना जैसा मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ लोग दिलो जान से सेवा के भाव से नौकरी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सेना का जवान 10 क्लास पास होकर के जाता है, उसको क्या तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह के बदले वो भारत की सेवा करता है। नॉनसेंस बात करते हैं, घटिया बात करते हैं। ऐसा बात करने वाला कोई भी हो, चाहे सिविल का हो, चाहे फौज के अंदर बैठा हुआ कोई पदाधिकारी हो, बहुत गंदा बोलता है, उसकी सोच बहुत घटिया है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं अपने बच्चों को सिपाही में भर्ती करके देख सकते हो देशभक्ति क्या होती है? उनको भी तनख्वाह मिलेगी, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। मैं ये जानता हूं, मैंने 33 साल सेना में दिए, तो एक जवान सेना यूनिट के प्रति बिल्कुल अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी मदर यूनिट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, 99.9% इस बात को मैं कह रहा हूं। ऐसा सिस्टम है जिसमें हर कोई नौकरी करना चाहता है, सिविल से भी लोग भीड़ लगी और अंदर भी लोग आना नहीं चाहते, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें होती जा रही, ऐसी गैर मतलब की चीजें हो रही हैं, वो उनकी उनकी वजह से लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो चीजें बाहर आ जाती हैं। उनको आप नहीं दबा सकते, वो आपकी जिम्मेदारी ठीक करना। क्यों? सेना सबकी है, जो सोल्जर है, एक्स सर्विस मैन है, उनकी भी है, पूरे देश की सेना है। भाई हम बोलेंगे, हम गलत नहीं बोल सकते, मुझे पता है हम क्यों गलत बोले। मैं भी एक सैनिक हूं, देश हमारा है, सेना हमारी एक खूबसूरत सेना है। आज से 20 साल पहले इतना अच्छा ट्रेडिशन था, सब कुछ भाईचारा था। आज हमारे जवान को कोई कुछ भी करता है, हमारे सिस्टम से कोई आवाज नहीं आती, तब दुख होता है कि आखिर में इनके लिए कौन बोले। हमारे बोलने से इतना प्रभाव हो रहा है, कुछ स्टेट है, कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ एसपी साहबों से चिट्ठी लिखी हमने, तो वो बोलते नहीं ठीक है, हम इसके लिए कोई सेल बनाएंगे। और मैं यहाँ बैठा हूँ ग्वालियर में, ग्वालियर में ऐसा इंप्लीमेंट हुआ, सोल्जर बोर्ड भी हम गए कि नहीं इनके लिए कुछ करो। जवान को आए दिन कोई भी मार लेता है, रेवेन्यू है, कोई मार रहा है, पटक रहा है, क्यों भाई? हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं हम बैक फुट पे हैं, हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट पाना चाहिए। मैं किसी वायलेंस की बात नहीं कर रहा, आप शालीनता से आइए, शालीनता से हमारे जवानों की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज सिविलियंस भी क्या तमाशा देखते हैं कि एक सैनिक के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर सेना की रेस्पेक्ट कहां है? जो मर्जी कॉम्बैट ड्रेस पहन के इस देश में घूम रहा है, पता ही नहीं चलता है कि पीटने वाला सैनिक है या पिटने वाला सैनिक है। शर्म आती है, दुख होता है इस बात से। इसी बात को लेकर थोड़ा सा अग्रेशन मुझे होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है किसी से। मैं क्या बोलते ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता जिसी के सम्मान को चोट आए। सेना आज भी खूबसूरत है, जितने डिपार्टमेंट है सेना आज भी खूबसूरत है। सेना के पेमेंट हो, खाना हो, पीना हो, एक नीट एंड क्लीन आदमी निकल के आता है। मैं तो सोचता हूं कि स्वर्ग है, और मेरा पहला वीडियो भी था कि सेना स्वर्ग है, आज भी है। बाहर बहुत सारा करप्शन है, सेना की आज भी बहुत सारी रेस्पेक्ट है। इस रेस्पेक्ट को बचाना हमारा आप सबका काम है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट जरूर करना क्या मैं इसके ऊपर और आगे क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।